हेलो गाइस, मैं हूं आप सबकी पवित्रा और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पवित्रा लाइफस्टाइल में स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूं वेज दम बिरयानी। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो चलते हैं किचन। बासमती चावल, और ये लिया मैंने 250 ग्राम पनीर, इसको मैंने स्क्वायर में काट लिया है। ये लिया है मैंने, एक पाव से कम है, दही लिया है। ये हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये हरी मिर्च, धनिया, और ये पुदीना है, और ये दो कलर है, एक ऑरेंज कलर एक रेड कलर। ये है बिरयानी मसाला, और ये प्याज है, इसको मैंने स्लाइस में काट लिए हैं। और ये है खड़े मसाले, दालचीनी, तेजपत्ता और हरी इलायची, काली मिर्च और बड़ी वाली इलायची है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इस पनीर को हम एक बाउल में डालेंगे, और ये जो दही था इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये जो पेस्ट है इसका दो बड़े चम्मच हम डालेंगे इसमें। मिक्स करेंगे हल्के हल्के से, पनीर टूट ना जाए, ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें नमक डालेंगे ये पनीर के अकॉर्डिंग, और आधी चम्मच हल्दी, और ये है लाल, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ये जो बिरयानी मसाला था इसको ऐड करूंगी। आप कोई भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं, बिरयानी मसाला ऐड कर दूंगी। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसको 10-15 मिनट इसको साइड पर रख देती हूँ। अब देखिए हमें चावल बनाने हैं, तो ये है चावल का बर्तन, मैं राइस कुकर में बना रही हूँ, आप कुकर में भी बना सकते हैं। सबसे पहले ये जो चावल है मैंने धो लिए थे इसे अच्छे से, आधा किलो के करीब ये चावल है। ये जो चावल है अब इसमें मैं खड़े मसाले सॉरी इसको डाल दूंगी, और ये जो मैं नमक डाल रही हूँ ये सिर्फ चावल के लिए नमक है, पनीर के लिए मैंने पहले से ही डाल दिया है, आप चावल के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने नमक डाल दिया है, और इसमें घी भी डाल सकते हैं, मैं रिफाइंड डाल रही हूँ 1.5 चम्मच, और इसमें अब मैं पानी ऐड करूँगी। अब सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है, अब हम इसे राइस कुकर में चढ़ाते हैं। ये देखिए जब ये पक जाएगा तो ये ऑरेंज लाइट जल जाएगी, और तब तक हम प्याज को फ्राई करते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल गरम हो गया है, मैंने इसमें रिफाइंड डाला है, अब मैं इन प्याज को इसमें फ्राई करूंगी। ब्राउन नहीं होता है तब तक इसे अच्छे से भून लेंगे। और ये जो तेल है थोड़ा सा ज्यादा है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। जो मैरिनेट किया हुआ पनीर था इसको मैं अब इसमें डालूंगी, इसको थोड़ी देर चलाते रहना क्योंकि मैंने दही डाला हुआ है, नहीं तो ये फट जाएगा। इसका जितना भी है इसमें सारा डाल दूंगी। बॉईल आ गया, इसे 5 मिनट तक ढककर पकाऊंगी और गैस को मीडियम कर। देखिए हमारी राइस पके, ऑरेंज लाइट होगी, अब मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, मैं इसे खोल के रखती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं। अब मैं ये जो खड़े मसाले दिख रहे हैं आपको, मैं इसे रिमूव कर दूंगी क्योंकि ये जब मुंह पे आते हैं
तो अच्छे नहीं लगते। इसका जो फ्लेवर था सब वो राइस में चला गया है। ठीक, कितने खिले खिले चावल बने हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और देखते हैं पनीर का हाल। अब इसे चेक करते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से पक गया है और जो तेल था इसका सब ऊपर आ गया है। गैस को बंद कर देंगे हम इसे और इसे एक बाउल में निकालते हैं। ये देखिए, पनीर को बाउल में निकाल लिया और देखने में ही बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और ये राइस है, अब हम क्या करेंगे, ये कढ़ाई खाली कर ली है, मैं इसी में इसे पकाऊंगी। तो सबसे पहले हम वाइट राइस डालेंगे इसमें। ये देखिए, मैंने फर्स्ट लेयर लगा लिया। अब हम इसमें ऊपर से ये जो पनीर की ग्रेवी है इसे ऐड करूंगी। ये देखिए, मैंने एक लेयर लगा ली है। अब इसमें मैं फिर से वाइट राइस डालूंगी। ये देखिए, मैंने ऊपर से एक वाइट लेयर चावल की डाली है। अब इसमें मैं धनिया और ये है पुदीना, और इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। पुदीना ज़रूर डालिए। और इसमें अब ये जो प्याज फ्राई किए थे हमने, अनियन, इसको ऐड करूँगी। ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। अब हम इसमें रेड कलर के ड्रॉप्स डालूँगी कहीं कहीं, और कहीं कहीं बीच बीच में ऑरेंज कलर। अब इसके बाद फिर से मैं एक और लेयर राइस की डालूंगी। ये देखिए, मैंने एक लेयर डाल दिया। अब ये जो पनीर है उसकी ग्रेवी डालूंगी मैं इसमें। अब मैं फिर से इसमें राइस डालूंगी। अब मैं इसमें फिर से पुदीना ऐड करूंगी और ये धनिया है। अब हम ऑरेंज कलर के ड्रॉप्स डालेंगे साइड साइड में। अब मैं क्या करूंगी, इसे एक फॉइल पेपर से इसे पूरा कवर कर लेंगे। ये देखिए, मैंने एक फॉइल पेपर लिया है और इसे सारा अच्छे से कवर लगा लिया है। और अब मैं ये जो लेड है इसे, अब इसको मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक तवा चढ़ा दिया है और गैस को एकदम लो करना है और इसे कम से कम कर दिया 10 मिनट तक। हम इसे लो आंच में अच्छे से पकाएंगे। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको निकालेंगे। और अब मैं खोल के दिखाती हूँ आपको ये कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए हमारी वेज बिरयानी कैसी लग रही है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। पहले हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और इसे मैं सर्व करूँगी बूंदे के रायते के साथ। और ये है टमाटर की चटनी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।